हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके जो नीट एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विलयन की सांद्रता। अब देखिए सांद्रता क्या होता है, सांद्रता को समझने के लिए थोड़ा सा विलयन पर फोकस कर लेते हैं एक बार। विलयन का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है पिछले वीडियो में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है तो उसको हम विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। इस पर हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा सांद्रता को अच्छे से समझने के लिए एक बार इसको रिकॉल करना जरूरी है। तो विलय और विलायक किसे कहेंगे? तो जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। जैसे मान लीजिए कि 80 ग्राम जल ले लिया गया, मान लीजिए कि 80 ग्राम क्या ले लिया गया, जल ले लिया गया, और इसमें 10 ग्राम चीनी घोल दिया गया। 80 ग्राम जल लिया गया, 10 ग्राम चीनी घोल दिया गया, सॉरी 10 ग्राम ना लेके 20 ग्राम ले लीजिए, 20 ग्राम चीनी घोल दिया गया। इस 80 ग्राम जल में जब 20 ग्राम चीनी घोला गया तो जो हमारा विलयन तैयार हुआ वो 100 ग्राम का विलयन तैयार हो गया, 100 ग्राम का विलयन तैयार हो गया। इसमें जो चीनी है वो विलय है और जो जल है वो क्या है, विलायक है। ठीक है, मतलब कि अगर हम विलयन की बात कर रहे हैं तो उसमें विलय भी है और विलायक भी है। जिसकी मात्रा कम है वो विलय है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो क्या है, विलायक है। तो इस विलयन के बारे में अगर कुछ जानकारी निकाला जाए, इस विलयन के बारे में अगर कुछ जानकारी निकाला जाए कि हमने 100 ग्राम विलयन तैयार किया, ध्यान दीजिएगा इसमें हमने विलय कितना लिया, हमने विलय ले लिया 20 ग्राम जो कि चीनी है। ठीक है, देखिए सांद्रता को बड़ी हम बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो शुरू कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि आप सांद्रता के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उस लेवल से हम सांद्रता को पढ़ाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमने विलय मान लीजिए कि 20 ग्राम ले लिया चीनी, जो हमारा विलायक है, विलायक वो हो गया 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम ये क्या है हमारा विलायक, विलायक हमारा जल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा है तो विलायक है, चीनी की मात्रा कम है वो क्या है, विलय है। और हमने जो विलयन बनाया वो विलयन बना 100 ग्राम, यहाँ पर जो विलयन निकल के आ रहा है, विलयन ये जो विलयन बन रहा है वो बन रहा है 100 ग्राम, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में तो जो हमारा 100 ग्राम विलयन बन के आया है, इस 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम चीनी घुला हुआ है। ध्यान देना, इस 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम चीनी, मतलब कि 20 ग्राम विलय घुला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा, 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितना आया भाई, तो 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा तो 20 ग्राम है, बहुत सिंपल है। 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितना है, 20 ग्राम है, क्योंकि यहाँ 80 ग्राम क्या है, विलायक है। तो ओवरऑल जो विलयन हमारा बना है वो तो 100 ग्राम बना है। अब उस 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम हमारा विलय है, मतलब चीनी है। तो हम कहें कि तब 1 ग्राम विलयन में कितना चीनी होगा, 1 ग्राम विलयन में, 1 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितना होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो 100 ग्राम का विलयन बना है ना,
उस 100 ग्राम के विलयन में विलेय कितना है। तो 100 ग्राम के विलयन में विलेय कितना है, 20 ग्राम है। अब इस 100 ग्राम के विलयन में जब 20 ग्राम विलेय है तो 1 ग्राम के विलयन में कितना विलेय होगा, तो 20 बटे 100 होगा, ठीक है, 20 बटे 100 होगा। मतलब कि 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम का विलेय है, 100 ग्राम के विलयन में 20 ग्राम का विलेय है, अब हम 100 से भाग कर देते 1 ग्राम का निकल गया, तो 1 ग्राम के विलयन में कितना विलेय निकला। यहां से क्या कर देंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, यहां आ जाएगा 0 और 100 दुना 200, 0.2 ग्राम प्रति ग्राम, ध्यान देना 0.2 ग्राम प्रति ग्राम हम कह सकते हैं। वैसे ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि जो 0.2 निकल के आ रहा है ना, 0.2 ये हमारा एक्चुअल में विलेय है, कितना ग्राम विलयन में, 1 ग्राम विलयन में 0.2 ग्राम चीनी, 0.2 ग्राम चीनी, चीनी मतलब विलेय, 0.2 ग्राम विलेय कितना में घुला है, तो 1 ग्राम विलयन में। मतलब यहां से एक जानकारी निकल के आया कि 1 ग्राम विलयन में 0.2 ग्राम आपका विलेय घुला हुआ है। तो जो हमने विलयन बनाया है 20 ग्राम चीनी और 80 ग्राम जल का, इस विलयन के बारे में क्या जानकारी मिला कि 0.2 ग्राम जो विलेय है वो मिला है 1 ग्राम विलयन में। मतलब कि 1 ग्राम का जो विलयन हमारा तैयार हुआ है उसमें 0.2 ग्राम क्या है, विलेय है। तो ये जानकारी निकल के आ रहा है कि एकांक, एकांक मात्रा में जो विलयन है, एकांक मात्रा का जो विलयन है इसमें कितना ग्राम विलेय मिला है, 0.2 ग्राम। अब इसी जानकारी को हम लोग कहेंगे कि क्या है, तो विलयन की सांद्रता है, ये विलयन की क्या है, सांद्रता है। मतलब कि देखिए थोड़ा यहाँ पर हमने विलयन जो है ग्राम में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, विलयन वो किस में लिया गया, ग्राम में लिया गया है, विलायक भी ग्राम में है, विलेय भी ग्राम में है, तो विलयन भी किस में आ गया, ग्राम में आ गया है। मान लीजिए कि आप यहाँ ये करते कि 100 ml जल में, ध्यान देना 100 ml जल में 20 ग्राम चीनी घोले हैं, 100 ml जल में 20 ग्राम चीनी घोले हैं, तो 1 ml जल में कितना चीनी हुआ, तो 20 बटे 100, मतलब कि 0.2 ग्राम प्रति ml हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर पानी को हम जो जल है उसको हम ग्राम में ना लेके ml में ले लें, कि चलिए 100 ml जल ले लेते हैं और उसमें 20 ग्राम चीनी घोल के विलयन बना दिए, तो 100 ml जल में 20 ग्राम चीनी घुला है, तो हम पूछे कि तब 1 ml जल में कितना चीनी घुला होगा। तो जब 1 ml जल में चीनी की मात्रा निकालेंगे तो 20 में 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 0.2 ग्राम प्रति ml निकला। मतलब कि 1 ml का जो विलयन होगा, 1 ml का जो विलयन होगा उसमें 0.2 ग्राम चीनी की मात्रा होगी। तो ये जो जानकारी निकल के आ रहा है कि 0.2 ग्राम पर ml ये क्या है, तो यही विलयन की सांद्रता है। मतलब कि किसी विलयन में कितना विलेय घुला है, कितना विलायक है, कितना विलेय है, इन सब चीज़ों की जानकारी को हम जब प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एकांक आयतन, मतलब कि 1 ml विलयन में 0.2 ग्राम क्या मिला है, चीनी मिला हुआ है। तो ये जो भी जानकारी निकल के आ रहा है कि 0.2 ग्राम यहाँ पर चीनी 1 ग्राम विलयन में निकल रहा है, यहाँ पर 1 ml विलयन में 0.2 ग्राम चीनी निकल रहा है, तो जो भी ये जानकारी निकल के आ रहा है विलयन के बारे में, इसी को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि सांद्रता है क्या, तो सांद्रता वह पद है, सांद्रता वह पद है जिसमें हम किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि किसी विलयन में उपस्थित जो विलेय है, विलायक है, इनकी मात्रा को प्रदर्शित जिन पदों में किया जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। या ऐसे कह सकते हैं
कि किसी विलयन के एकांक आयतन में, किसी विलयन के एकांक आयतन में। अब यहाँ अगर हम देखें तो 1 ml का मतलब क्या एकांक आयतन है, यहाँ देखेंगे तो 1 ग्राम का मतलब क्या है एकांक भाग है, एकांक भाग है। तो किसी विलयन के एकांक आयतन में या एकांक भाग में जो उपस्थित विलेय की मात्रा होती है, उस विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ कि किसी विलयन के एकांक आयतन या एकांक भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ पर सांद्रता कितना है, 0.2 ग्राम प्रति ml या 0.2 ग्राम प्रति 1 ग्राम विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सांद्रता है, सांद्रता में मेन चीज क्या हम लोग जान रहे हैं, सांद्रता का मतलब ये हुआ कि किसी विलयन में कितना विलेय है, कितना विलायक है, उसी की मात्रा को हम जिन पदों में प्रदर्शित करते हैं वो होता है सांद्रता, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सांद्रता को हम कई अलग अलग पदों में डिफाइन करते हैं, सांद्रता को कई अलग अलग पदों में डिफाइन किया जाता है, जिसमें सबसे जो पहला है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत सबसे पहला जो पद है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। हम सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा जो है वो है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद आपका आता है मोलरता, नॉर्मलता। ध्यान दीजिएगा ये सब क्या है, ये सब सांद्रता के पद हैं। मतलब सांद्रता को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में दिखा सकते हैं, आयतन प्रतिशत में दिखा सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में दिखा सकते हैं, मोलरता में दिखा सकते हैं, नॉर्मलता में दिखा सकते हैं। फॉर्मलता भी एक पद होता है, फॉर्मलता में दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक पद होता है मोललता, हम मोललता में भी दिखा सकते हैं। देखिए ये सब सांद्रता को ही बताते हैं, यही विलयन की सांद्रता को बताता है, यही विलयन की सांद्रता को बताता है। ये सारा का सारा क्या है, सांद्रता बताने वाले पद हैं। ये अलग अलग पद है जो क्या करते हैं, विलयन की सांद्रता को बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विलयन सिर्फ एक प्रकार का तो होता नहीं है, अलग अलग प्रकार के विलयन होते हैं। तो सभी प्रकार के विलयनों को दिखाने के लिए हम इन सांद्रता के पदों का प्रयोग करते हैं। मोललता हो गया, उसके बाद एक और होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या इसको मोल अंश भी बोलते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश। एक और सांद्रता का पद होता है PPM, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान देना पार्ट्स पर मिलियन। और एक और सांद्रता का पद होता है PPB, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन। तो ये 10 जो है आपके सांद्रता के पद होते हैं। मतलब कि हम सांद्रता को 10 वैरायटी से लिख सकते हैं, 10 वैरायटी सांद्रता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अलग अलग विलयनों के लिए अलग अलग सांद्रता के पदों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी ये जानकारी तो हो ही गया कि सांद्रता वास्तव में क्या है। तो सांद्रता वह पद है जो ये बताता है कि किसी विलयन में कितना विलेय उपस्थित है। मतलब कि किसी विलयन के एकांक आयतन, एकांक भाग या एकांक द्रव्यमान में कितना विलेय उपस्थित है, यही जो जानकारी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। तो इसका फाइनल परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी विलयन के प्रति एकांक आयतन या प्रति भाग या प्रति एकांक द्रव्यमान विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। और सांद्रता को हम इन अलग अलग पदों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए अब समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत, इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा हुआ है, एक बार हम परिभाषा पढ़ देते हैं उसके बाद से हम आपको समझाते हैं उदाहरण लेकर के। लिखा गया है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, मतलब कि जो आपका विलेय पदार्थ है, जो विलेय है वो ग्राम में होना चाहिए। विलेय किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, मतलब कि कोई विलयन है उस विलयन के 100 ग्राम में जितना ग्राम विलेय घुला है, कहने का मतलब यही हुआ रहा है इसका कि किसी विलयन के 100 ग्राम में जितना ग्राम विलेय घुला है उसी मात्रा को हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, समझिए, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब कि एकदम सिंपल में अगर हम कहें तो 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन है तो 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलेय उपस्थित है, कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है, उसी मात्रा को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 30 ग्राम चीनी, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, 30 ग्राम चीनी या 30 ग्राम नमक ले लीजिए, 30 ग्राम नमक हमने 170 ग्राम जल में घोल दिया, 30 ग्राम चीनी 170 ग्राम जल में घोल दिया गया और आपका जो विलयन तैयार हुआ वो हुआ 200 ग्राम का विलयन। ध्यान दीजिएगा, 30 ग्राम नमक और 170 ग्राम जल जब घोला गया तो 200 ग्राम का विलयन तैयार हुआ। इसमें जो नमक है वो विलेय है, ठीक है, नमक क्या है, विलेय है, जो जल है वो क्या है, विलायक है, विलायक, और विलयन आपका हो गया 200 ग्राम का। तो हम आपसे ये पूछें कि जो विलयन 200 ग्राम का बना है उसमें टोटल कितना विलाय, कितना विलेय है, तो 200 ग्राम के इस विलयन में 30 ग्राम नमक है, 30 ग्राम क्या है, विलेय है। 200 ग्राम के इस विलयन में, ध्यान दीजिएगा, 200 ग्राम के इस विलयन में 30 ग्राम क्या है, विलेय है। तो अब ये पूछा जाए कि अगर इस विलयन को 100-100 ग्राम डिवाइड कर दे जाए, 100 ग्राम इधर निकाल दे, 100 ग्राम इधर निकाल दे, तो अब इस 100 ग्राम में कितना विलेय आया, 100 ग्राम में कितना विलेय आया, तो 100 ग्राम में कहें कि 15 ग्राम विलेय आया। अब जैसे 200 ग्राम का जो विलयन है आप इसको 100-100 ग्राम में डिवाइड कर देंगे, 100-100 ग्राम में, तो 200 ग्राम में ना आपका 30 ग्राम नमक मिला हुआ है, तो 100 ग्राम में कितना नमक मिला, 100 ग्राम में तो मात्र 15 ग्राम नमक मिलाया गया, 15 ग्राम। इसका मतलब कि 100 ग्राम का जो विलयन है उस 100 ग्राम में 15 ग्राम क्या है, नमक है, 100 ग्राम में 15 ग्राम नमक है। इसका मतलब कि जो ये निकल रहा है, जो जानकारी निकल के आ रहा है कि 100 ग्राम में 15 ग्राम नमक है, यही आपका क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। बस इसको करना क्या है, परसेंटेज में चेंज कर देना है। तो जो 100 ग्राम का विलयन है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है। देखिए ध्यान से, विलेय का द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है, और आपका विलयन का भी द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है। विलयन का द्रव्यमान भी किसमें है, ग्राम में है। तो जितना भी आपका विलयन है उस विलयन में जितना भी विलेय मिलाया गया है, तो जो बटा में जब इसका अनुपात लिखा जाएगा तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर रहेगा, विलयन का द्रव्यमान नीचे रहेगा। जैसा कि आप 100 में 50 नंबर पाते हैं तो 50/100 लिखा जाता है, 100 में 30 नंबर पाते हैं तो 30/100 लिखा जाता है, 100 में 80 नंबर पाते हैं तो 80/100 लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो 200 ग्राम का विलयन है, इस 200 ग्राम के विलयन में 30 ग्राम नमक घोला गया है। इसका मतलब कि 30 रहेगा ऊपर, 200 रहेगा नीचे, ये तो अनुपात निकल गया। अब इसी को 100 से जब गुणा कर देंगे ना तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा,
तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसी यहाँ पर जो मात्रा निकलेगा उसको हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान तो निकल रहा है लेकिन परसेंटेज में निकल रहा है, तब कटा दीजिए, 100 से कट जाएगा 200 दो बार में, और 2 से कट जाएगा ये 15%। तो 15% का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब ये हुआ, आप सभी लोग जानते हैं 15% का मतलब होता है 15/100, मतलब कि प्रत्येक 100 ग्राम के विलयन में 15 ग्राम आपका क्या है, नमक घुला हुआ है। हम पहले भी बता रहे थे कि 100 ग्राम में 15 ग्राम घुला हुआ है, मतलब 100 ग्राम का जो विलयन है उसमें 15 ग्राम क्या घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं, ध्यान से देखिए इसको लिखता कैसे है सवाल में। सवाल में लिखेगा परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू 15, परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू 15। ये ऐसे लिख देगा कि 15% नमक का विलयन बनाया गया है, ध्यान देना 15% नमक का विलयन का मतलब हुआ, 15% नमक का विलयन का मतलब हुआ कि 100 ग्राम का जो विलयन आपका बना है, 100 ग्राम का विलयन जो बना है उसमें 15 ग्राम क्या है आपका, नमक है। अब एक और इसमें मजे वाली बात है कि 100 ग्राम का जो विलयन बन रहा है ना उसमें 15 ग्राम नमक है, तो बाकी जो 85 ग्राम है वो क्या है, विलायक है। ध्यान दीजिएगा 100 ग्राम का जो विलयन बना हुआ है इसमें 15 ग्राम क्या है, नमक है, इसका मतलब कि बाकी जो 85 ग्राम है, 85 ग्राम वो क्या है, विलायक है, और 15 ग्राम क्या है, विलेय है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक एक जानकारी हम लोगों को निकल पा रहा है, और जितनी भी जानकारियाँ निकल पा रही है सब की सब क्या है, सांद्रता है। तो सांद्रता किस पद में है, द्रव्यमान के पद में है, विलेय भी द्रव्यमान के पद में है, विलयन भी आपका द्रव्यमान के मतलब कि ग्राम के रूप में है, द्रव्यमान के रूप में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ जो द्रव्यमान प्रतिशत निकला है ना वो विलेय का निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा जो द्रव्यमान प्रतिशत निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, विलेय का निकल रहा है। जो यहाँ पर 15% जो आया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये 15% आ रहा है ये वास्तव में विलेय के लिए है। ये जो 15% जानकारी हम लोगों को मिल रहा है ये यही बता रहा है कि 15% का मतलब क्या है, कि 15 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो ये विलेय को तो बता रहा है ना, लेकिन यहाँ पर विलायक का तो पता नहीं चल रहा है। तो अगर कोई पूछे कि तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान, आप यहाँ इसको ओवरऑल 15% कह सकते हैं, पूछे कि विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, जिस तरह से ये निकाले हैं ना कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, उसी तरह यहाँ पर लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। थोड़ा देख लेते हैं कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आ तो रहा है। तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान रख दीजिए ऊपर और बटा विलयन का द्रव्यमान। तो अगर यहाँ पर विलायक के द्रव्यमान की बात करें तो विलायक तुम्हारा 170 ग्राम है, तो विलायक कितना हुआ, 170 ग्राम ऊपर है, और बटा टोटल विलयन कितने का बना है, विलयन 200 ग्राम का बना है, और गुणे 100, 100 से कट गया 200 बार, दो बार में, और 2 से 170 काट दीजिए तो 2 अठे 16 और 2 अठे 16 और 2 पचे 10, 85%। तो यहाँ पर देखिए 15% और 85%, ठीक है, 15% 85% का रेशियो आ रहा है, मतलब कि जो आपका विलयन बना है ना उस विलयन में 15% विलेय है और 85% क्या है, विलायक है। विलयन में 15% विलेय और 85% विलायक है, हमने यहाँ भी निकाल कर रखा है। ध्यान दीजिएगा कि जो 100 ग्राम विलयन बना है उस 100 ग्राम में 15 ग्राम क्या है आपका, विलेय है, मतलब नमक है। तो 100 ग्राम जो विलेय है उसमें जब 15 ग्राम नमक है इसका मतलब क्या है, 85 ग्राम उसमें क्या है, विलायक है, तो हमने निकाल दिया, यहाँ आ भी गया। तो ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान प्रतिशत में ज़्यादातर आपको विलेय का ही प्रतिशत मात्रा निकाल के मिलता है, लेकिन अगर विलायक की प्रतिशत मात्रा निकालनी हो तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, या जो आपका विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत आ रहा है उसी को क्या कर दीजिए, 100 में से घटा दीजिए, वही 100 में से घटा दीजिए,
तो 100 में से अगर डायरेक्ट 15 घटा देंगे यहाँ पर, 100 माइनस 15, तभी आपका जो 85% आएगा वो किसका आएगा, विलय का आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो विलयन होता है वो विलय और विलायक से ही बना हुआ है, तो अगर आपको विलय का परसेंटेज निकल गया है तो विलायक का परसेंटेज तो 100 में से घटा के निकल जाएगा, तो आप आसानी से द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ से क्या पता चल पा रहा है कि किसी भी विलयन के 100 ग्राम में, किसी भी विलयन के 100 ग्राम में जितना ग्राम विलय घुला हुआ होता है उस विलय की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। हाँ, इस चीज़ में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो द्रव्यमान प्रतिशत है इसमें विलय भी ग्राम में होना चाहिए, विलयन भी ग्राम में होना चाहिए। मतलब कि अगर हमको किसी विलयन के बारे में ये जानकारी है कि विलयन 100 ग्राम है, विलायक 100 ग्राम है, तो अगर विलयन की जानकारी हमको ग्राम में पता है तो उस कंडीशन में हम जो सांद्रता निकालेंगे वो द्रव्यमान प्रतिशत निकलेगा। अगर विलयन के बारे में जो जानकारी है वो ग्राम में है तो जो द्रव्यमान जो सांद्रता निकलेगा वो निकलेगा द्रव्यमान प्रतिशत में। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि किसी विलय की ग्राम में वह मात्रा, किसी विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए कि किसी भी 100 ग्राम विलयन को ले लीजिए, तो किसी 100 ग्राम विलयन में जितना ग्राम विलय उपस्थित रहेगा उसी मात्रा को हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रति सत, सत माने होता है 100, सत मतलब 100, मतलब कि किसी विलयन के 100 ग्राम में जितना ग्राम विलय घुला हो उसी मात्रा को हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।